हमारी इतनी अच्छी सी छोटी सी क्यूट सी गुड़िया है। मैं आज जिस समय आई उस समय से देख रही थी इनको, मैंने सोचा कहीं इनको नजर न लग जाए किसी के, मैं कहा देख रही हूँ कहीं मेरे से ये ना कहें कि पागल तो नहीं है भाई, बार बार मेरे को ना सच में कह रही हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कहीं नाराज मत होना, मतलब मत सोचना पागल नहीं हूँ फिलहाल तो, अब क्या पता बुढ़ापा किसका क्या हो जाए। आ चुकी हूँ नहाई धोई करके और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और ये हमारा छोटा भाईलू, उसको फिर से नींदी आने लग गई है तो इसको भी सुला रही हूँ मैं। अभी हमने जाना है फिर पूजा करने के लिए। अभी मैंने डाला है अपना सूट, ये मेरा शादी के टाइम का सूट है, बहुत कम यूज़ हुआ है ये, मैंने आई थिंक 2 times ही पहना है तो मैंने सोचा कि इसको डाल लेती हूँ तब तक, बट ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि ये ना पहन के मुझे इधर उधर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी डालूँगी मैं साड़ी थोड़ी देर में, फ़िलहाल के लिए सूट पहना है और भैया को सुला रही हूँ, इसे सुला कर फिर आपसे अच्छे से बात करती हूँ, ठीक है? बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अब बताना कौन है? अब कौन है? कौन है? कौन है बता? बिल्लू। बिल्लू मुर्गा दिखाओ प्लीज, मुर्गा कितने छोटा है तो मेरी थी मुर्गा, ये आगे उठ के बटन दबाना, रुको इधर ही खड़े पापा ओ पापा ओ आ जा भाई, तू ये आ गया, ये आ गया उठ के, आ गया उठ के। अब मौसम कभी ऐसा अचानक हो रहा है कभी अचानक से, किचके पापा को उड़ा रहे हैं। ये सही है, अच्छा हंस कितना रहा है ना, माँ को ज्यादा कोई मतलब है, खाते हैं जो बैठे, मुझे नहीं मिली बाहर की आदत का है, जब उसको कुछ जरूरत पड़ी हमारे बच्चे प्लेन की आदत, प्लेन में रह ले ऐसे, कामदार लोग, एक ये यूट्यूबर एक वो यूट्यूबर, दो यूट्यूबर बर्तन धोते हुए। हाँ कोई भी नहीं थी तो अंकल ही हुए वहाँ पे। सही है, कल दिन में आराम किया है, काम ही करते रह गए थे। अच्छा जाते सभी को डिग्गी, हाँ हाँ गाइस वेलकम बैक। तो अभी ना ये बेबू रानी लगा रही है मेरे हाथों में मेहंदी, क्योंकि हमें वहाँ पे टाइम नहीं लगा मेहंदी लगाने का, ना मुझे नाइट में टाइम लगा क्योंकि छोटा बेबी है ना तो वो तंग करता है नाइट में, तो फिर वो भी पूरा मेहंदी मेहंदी हो जाता है, तो मैंने इसलिए नहीं लगाई थी मेहंदी, और इसीलिए अभी लगा रही है बेबू मेरी मेहंदी। मैंने बोला थोड़ी सी लगा दे ऐसी शगुन के लिए, और इनका नाम लिखवा लूँगी इसमें, बस हो गया दोनों बच्चों का नाम एक हाथ में, एक हाथ में ही लगवाती हूँ ना दो हाथ में, फिर अभी वो भी रोएगा तो उसे भी पकड़ना है। और वत्स सावित्री का फास्ट है आज, पूजा अभी तक हमने करी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3:30 बोल रहे हैं कि तब जाकर हमको जाना है वट के पेड़ में, तो वो यहीं पे ही है पास में, मैं दिखाऊंगी आपको, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे हम पूजा करेंगे, तो देखते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे और आपको यहाँ की ना औरतों से मिलवाऊंगी, सबको दिखाऊंगी सबने क्या क्या पहना है और हम कैसे बन के जा रहे हैं, तो बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में।
हम तैयार हो गए हैं अब मंदिर जाने के लिए। तो मैं पूरा सोने से लग चुकी हूँ, बताना आपको कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने एक दो क्लिप्स भी बनाई हैं, वो भी मैं डालूंगी यूट्यूब में, तो आप प्लीज़ उसे भी जाके देखिएगा। और अभी ना धूप बहुत तेज़ हो रही है, मतलब जैसे हम पहाड़ में आए ना, मुझे अभी यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है, धूप बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे प्लेन्स में होती है दिन के टाइम। बट हाँ, यहाँ पे पंखे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फैंस नहीं है तो पंखे की कोई ज़रूरत नहीं है दिन के टाइम भी। बट हाँ, धूप हो रही है, धूप बहुत तेज़ है। अभी हमें जाना है मंदिर, और मंदिर यहीं है थोड़ा पास, यहाँ से आप देख सकते हैं, इधर से हम जाएंगे, यहीं मंदिर है, तो मंदिर में हम पूजा करेंगे। तो यहाँ आज टाइम आई थिंक 2:30 के अप्रॉक्स था, तो भाभी लोग जो है हमारे साथ की वो सब तैयार हो रही है, तो हम हो चुके हैं तैयार। तो हम मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में, मैं दिखाती हूँ हम कहाँ कहाँ से जाएंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना, और बेल आइकन वहाँ आएगा उसको भी प्रेस करना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय करो। हाँ, हमारे घर आते रहना। हाँ, बहुत ही अच्छी प्यारी लग रही हो। हमारे घर आते रहना, हम तुमको बुलाते रहना। आप बुलाते रहना, हम आते रहेंगे। आते रहेंगे, हाँ जी, हाँ जी, हम आके खाते रहेंगे। नहाने के लिए पानी भी गर्म मांगेंगे। हाँ बाबू, नहाने के लिए सुबह मैं करूँगी पानी, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म करूँगी, मैं बनाऊंगी तुमको, मैं बहुत प्यार करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी लड़की बिल्ली का बच्चा से लेके आ रही है। जियो जियो, मर जाएगा वो। से हाय, कहाँ हो आप? नोजी वाली तो नोजी। ये हमारी बड़ी भाभी हैं। हाँ, अभी आपका नाम क्या है? हमें आपका नाम। मेरा नाम अनीता पाठक है। अनीता पाठक, ये हमारी सबसे बड़ी भाभी है। और ये हमारी इतनी अच्छी सी छोटी सी क्यूट सी गुड़िया है। मैं परस जिस समय आये उस समय से देख रही थी इनको, मैंने सोचा कहीं इनको नजर न लग जाए किसी के, मैं कहा देख रही हूँ कहीं मेरे से ये ना कहें कि पागल तो नहीं है भाई, देख रही है बार बार मेरे को। ना ना, सच में कह रही हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कहीं नाराज मत होना, मुझे मत सोचना पागल नहीं हूँ फिलहाल तो, अब क्या पता बुढ़ापा किसका क्या हो जाए। नहीं नहीं, आप भी बहुत सुंदर हो। सुंदर तो फिलहाल आप जो भी नहीं हो, अच्छे बहुत सुंदर लग रहे हो। चलानी है हमको? नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा नहीं है, हमारे गाँव में आप पहली बार आए हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब इनके आते वाले देखे रहे, देखे रहे, जब हम देखते रह गए तो और कैसे नहीं देखेंगे। अच्छा हुआ करवा चौथ का व्रत था, आदमी भी आए रहे। वो रात दिन में कहाँ आते हैं करवा चौथ? दिन में कहाँ आते हैं, रात में जाना पड़ता, रात में जाना पड़ता, थोड़ा सा भी मौका देख करके। ये अश्लील अश्लील चाची हमारी। तो यहाँ पे ना सब लोग तैयार हो चुके हैं, सब लोग की गप्पे वप्पे स्टार्ट हो रखी है, कि हमारी एक व्लॉगर भाभी है, इनके भी व्लॉग्स काफी फेमस हैं। तो हम लोग हो चुके हैं तैयार, और आज पहली बार हम लोग जो है ना पहाड़ में फास्ट रखा है, पहाड़ में कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे सब लोगों के साथ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कि कैसा है, बहुत ये बहुत 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 ब्यूटीफुल व्यू है, मतलब जितना दिख रहा है ना इसमें उससे भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। राजू भाई केतनी है, केतनी है वो, उसके पापा है केतनी। हंस के दिखा दे एक बार, हंस के दिखा दे एक बार, हंस के दिखा दे मुझे। उच्च उच्च, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतनी शर्म हुई, ओए ओए, उच्च उच्च स्माइल, उच्च स्माइल, अरे स्माइल आ गई, अरे तो व्लॉग में सबने देख ली इसकी स्माइल। लहंगा क्या?
चलो। फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए, और ये है मेरा पूरा पहाड़ी लुक, और ये है साथ में हमारे पहाड़। मैं कहीं बनाते बनाते ना वीडियो नीचे ना गिर जाऊँ। ये देखो ये इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। देखिए ये पूरी ना खाई है नीचे ऐसे करके, मतलब कोई गिरेगा तो वैसे तो नहीं जाएगा, ऐसे सीढ़ीदार नहीं होता है जैसे, वैसा है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सुंदर। ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको बाकी जो पूजा बची हुई है उसे। ठीक है यहाँ पे होगी हमारी पूजा। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, और ये यहाँ की ना जो है लेडीज वो अपना स्टार्ट कर रही है, तो अभी हम इन लोगों को देख रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। तो वैसे ना ये जो वट का पेड़ है ना, इसके चारों तरफ घूमकर ऐसे करते हैं सब, बट यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे खाई जैसा है तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो बैठ के ही इसमें हम सात फेरे लेंगे। तो इसको 7 times राउंड करेंगे। तो ये कलीरे का मतलब कलावा, वो कलावा है, तो उसको 7 times इसमें हम पूरा राउंड राउंड करेंगे। तो अभी ये सब कर रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ की लेडीज़ हैं, वो सब कर रही हैं अपना अपना। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, आप बने रहिएगा व्लॉग में। वो चिया को देखते बच्चा, ये सब तभी तो मुझे सब्सक्राइब करेंगे जब मैं सबको लूँगी। हाँ वट 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 बेटा, वट सावित्री है, वट का पेड़ है। यही है तुम्हारा, कहाँ पहुँचे हो, आओ भी आओ जल्दी आओ। हमको जो 3 बजे गए, हमको 2 बजे गए थे। वही तो दादी, ताकि जीते बच्चे रहे, बोल दे वो बता बता तू बता कि हमारे पास भी चलो। जो तुरंत का होगा।
हाँ भाई सुन खुजो, हमारी चाची डरते हुए क्योंकि वहां पे को है खाई। कितने पैर हुए मम्मी? 8 हो गए। अरे वाह, घर के
अभी ना फिलहाल हो चुकी है यहाँ की पूजा और ये गांव में नई शादी हुई होगी तो दो नई बहुए हैं यहाँ पे तो वो डांस करने वाली है तो उनको नचा रहे हैं अभी तो यहाँ पे वो सब होने वाला है। और ये है जिया रानी हमारी गंदी गंदी बनके कितनी बार मैंने इसका मुंह धुला दिया ना पर इसका मुंह अपने जैसा हो जा रहा है। जी आप कैसे लग रहे हो इतने गंदे से यू तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ नए लोगों का डांस सब नई नई हो गए हैं यहाँ पे तो अभी दिखाती हूँ बने रहिए। बैठ जाओ जी एक जगह में मंडली सारी की सारी अच्छी सी चाय बना देती तो मजा आ जाता बोलते हाँ हाँ भाभी हम भी पियेंगे आप पूजा भाभी के हाथ की चाय पियेंगे नहीं नहीं आज पूजा भाभी की बहन के हाथ की पीऊंगी मैं फरमाइश पे फरमाइश देवरानी के उठो जेठानियां काम करेंगे कन्या वाले क्या क्या है हमारा मोबाइल है इसको चार मेरा ऊपर को मुझे खाओ तो कौन हो अभी काटते भी बेक ओए खोले फिर अब गर्मी वो मम्मी का था वो उनका था वो पूजा भाभी का अरे ना पूजा दी पारा क्यों लाओ पानी तो भी पहली बार अपने पैर छुए नहीं करवा चौथ में भी छूती हूँ ऐसा करा था उस दिन गाली करवा चौथ में भी छूती काटने तो तू छोड़ दा मैं आ गई ये चाची है तो गाइस तो आज मैं हूँ पहाड़ों में और ये हमारी है आज सेकेंड डे सेकेंड नाइट। तो कल हम शाम के टाइम पहुँच गए थे दिन के टाइम तो अभी हम पहाड़ में ही हैं और देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है ना पीछे ये सारे पहाड़ हैं और सब जगह ना सबके घरों की लाइटें ऐसे टिम 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 हो रही हैं। मौसम बहुत ठंडा हो गया है वीडियो क्लियर नहीं आएगी बिकॉज लाइट यहाँ पे बाहर नहीं है तो इसीलिए वीडियो में थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी बट पीछे जो भी दिख रहा होगा ना आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा बहुत अच्छा बहुत प्यारा व्यू लग रहा है। और अभी पता है बारिश भी हो गई हम लोग पूजा करके आए तो वहाँ पे ना बारिश हो गई आते आते
तो ठंडा हो रखा है मौसम बहुत, अभी लग रहा है कि हम पहाड़ में, दिन के टाइम ना मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था हम प्लेन्स में ही कहीं पे हैं। इतनी गर्मी हो गई थी दिन में, मुझे पसीने छूटने लग गए थे साड़ी में भी, बट अभी इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हो रही है और अंदर सब लोग काम कर रहे हैं। मैं अभी छोटू को सुलाया है, जियो को भी नीचे अभी वॉशरूम करवा के नीचे रखा है। थोड़ा पहाड़ों में थोड़ा ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वॉशरूम जो होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, तो घर से ये थोड़ा सा दूर है, थोड़ा दूर तो क्या है बट हाँ थोड़ा डिस्टेंस में है, जैसे हमें अंदर की आदत हो गई है तो उसके लिए दिक्कत हो रही है रात के टाइम, बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट हाँ कोई अगर ऐसे बोलेगा यहीं रहो तो नहीं रहा जाएगा, मतलब सैल्यूट है उन लोगों को जो यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि ऐसे में ना सर्वाइव करना बहुत कठिन बात है। पर लोगों को आदत हो गई है, हमारे तो हालत ख़राब हो जा रही है, हम चल नहीं पा रहे हैं, मतलब हम लोग ना पहाड़ों में इधर से उधर जाने में पैर में दर्द, और अभी हम गए भी नहीं है, कल से हमारी पूजा स्टार्ट है, दो दिन लगातार पूजा है, तो पता नहीं कैसे हम चलेंगे। मेरे जो ससुर जी वो बता रहे थे कि ना बहुत पैदल चलना है, तो पता नहीं क्या होने वाला है, साड़ी और ऊपर से ऐसे पैदल पहाड़ों में, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ यहीं पर, बने रहिए मेरे व्लॉग में, ऐसे ही अपना प्यार मोहब्बत हम पे ऐसे ही लुटाइए, और प्लीज़ हाँ वीडियोस को ना प्लीज़ लाइक करके जाइए, आप व्यूज़ तो आ रहे हैं वीडियोस में थोड़े बहुत बट ना लाइक्स नहीं आते हैं, लाइक आएंगे तो वीडियो ना थोड़ी और पॉपुलर होती है और लोगों तक पहुँचती है। वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, मतलब मेहनत वीडियो बनाने से ज़्यादा ना एडिट करने में लगती है, और जैसे मैंने आपको बताया मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सारे काम करना, मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं उनके सारे काम करना, घर संभालना और उसके बाद वीडियोस बना के उसे एडिट करना, बहुत 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 मेहनत लगती है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे हमको प्यार दें थोड़ा सा, औरों की वीडियो भी देखते हो हमारी भी देख लो थोड़ी सी, तो प्लीज़ 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 ऐसे ही हमारे पे प्यार बनाना और वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब करना। अभी अंधेरा हो चुका है तो मैं अभी आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग को एंड करती हूँ, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।